एक न्यूक्लियस का फिशन हुआ, तीन न्यूट्रॉन बने, और बनने वाले न्यूट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो इससे पहले कि ये इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो, किसी फर्दर न्यूक्लियस को ये ब्रेकअप कर पाए, ये न्यूट्रॉन इस मटेरियल के बाहर निकल गए, जिसे हम कहते हैं लॉस ऑफ न्यूट्रॉन ड्यू टू लीकेज। लेकिन इसके साथ साथ यूरेनियम 92-235 के साथ साथ इस यूरेनियम के पीस में इसका दूसरा आइसोटोप भी है, यूरेनियम 92-238। यूरेनियम 92-235 पर आपने न्यूट्रॉन का स्ट्राइक किया, ये स्प्लिट हो गया। लेकिन 92-238 यूरेनियम का ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है, ये न्यूट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके बैठ जाता है, फिशन नहीं होता। तो यहाँ रिएक्शन में बनने वाले इन न्यूट्रॉन्स का दो तरह से लॉस हो रहा है, लीकेज भी हो रहा है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, साथ ही साथ हो रहा है एब्जॉर्प्शन बाय 92-238। अगर ये दोनों लॉसेस मिलकर प्रोडक्शन से ज्यादा हो गए तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन सस्टेन नहीं कर सकती। बन रहे हैं 10-9 न्यूट्रॉन, 9 के 9 न्यूट्रॉन खत्म हो गए लीकेज से या एब्जॉर्ब कर लिए, तो आगे चेन रिएक्शन चलेगी नहीं। कब चल सकती है? जब प्रोडक्शन और लॉस दोनों बराबर हो जाए, एक सर्टेन स्टेट पर आकर के। एक टाइम में 27 न्यूट्रॉन बने और 27 में से 27 ही एब्जॉर्ब हो गए, लेकिन बाकी जो पीछे से बचे हुए आ रहे हैं वो चलते चले जाएंगे आगे। तो इन दोनों के बीच में, लॉस और प्रोडक्शन के बीच में, एक रेशियो होता है। इस रेशियो का नाम दिया जाता है रिप्रोडक्शन फैक्टर या मल्टीपल मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। और जब ये 1 या 1 से बड़ा हो, यानी रिप्रोडक्शन ज्यादा हो एब्जॉर्प्शन से, लॉस से, तो चेन रिएक्शन सस्टेन कर सकती बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल 1 आ जाएगी रेशियो, तो फिर चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड स्टेट में चलती चली जाएगी स्टडी पेस पर, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये न्यूट्रॉन इस मटेरियल में से, बॉडी में से, पीस में से बाहर निकलने से पहले न्यूक्लियॉन न्यूक्लियस से टकरा टकरा कर स्लो डाउन हो जाए। न्यूट्रॉन किसी न्यूक्लियस से आकर के टकराता है, यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस से आकर के न्यूट्रॉन टकराया, और इस न्यूट्रॉन की एनर्जी है बहुत ज्यादा, कितना? मोर देन 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब ये न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस को पार करके बाहर निकल जाना है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस का स्प्लिट नहीं करेगा। लेकिन बाहर निकलने से पहले इसे थोड़ी सी इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और इस तरह एक के बाद एक जैसे जैसे न्यूक्लियस को ये पार करता रहेगा, हर बार इसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि अब इसकी एनर्जी घटते घटते, यहाँ न्यूक्लियस से टकराते टकराते इसकी एनर्जी, न्यूट्रॉन की एनर्जी कितनी हो गई? 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब यहाँ अगले न्यूक्लियस पर आएगा तो ये अगले न्यूक्लियस का स्प्लिट कर देगा। इसलिए न्यूट्रॉन आगे फिशन कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि इस बॉडी में से, मटेरियल में से लीक आउट होने से पहले पहले इस न्यूट्रॉन की एनर्जी घट जाए, टकरा टकरा कर। एक सर्टेन साइज से कम साइज का अगर ये मटेरियल पीस हुआ तो फिर ये कंडीशन नहीं बन पाएगी। एक सर्टेन साइज पर ही जाकर ये कंडीशन बन पाएगी कि बाहर निकलने से पहले वो दूसरे न्यूक्लियस का फिशन कर दे। ये जो सर्टेन मिनिमम साइज है, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल साइज, क्रिटिकल साइज बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट है क्रिटिकल साइज का, कि
क्रिटिकल साइज किसी भी फिशनेबल मटेरियल का वो छोटे से छोटा साइज है जिससे कम साइज पर रिप्रोडक्शन रेशियो लेस देन 1 चली जाएगी, यानी लॉस ज्यादा होगा और रिप्रोडक्शन कम होगा न्यूट्रॉन्स का, और चेन रिएक्शन सस्टेन नहीं कर पाएगी। क्रिटिकल साइज वाले फिशनेबल मटेरियल का मास कहलाएगा क्रिटिकल मास। इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट है साइज उसका, मास से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो क्रिटिकल साइज है उसके उसी बॉडी का मास कहलाएगा क्रिटिकल क्रिटिकल मास। और यहीं से इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और आता है कि यूरेनियम का या किसी भी फिशनेबल मटेरियल का स्टोरेज छोटी छोटी सी बॉल्स की फॉर्म में या पतली पतली स्टिक्स बार्स की फॉर्म में किया जाता है। लोहे का है, लोहे का तो आप इतना बड़ा पीस बना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने बहुत सारा यूरेनियम अगर इकट्ठा रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और इनफैक्ट जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, एटॉमिक बॉम्ब है, उसका कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है, उसका कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है। न्यूक्लियर बॉम्ब कुछ भी नहीं है, क्या है? दो या तीन से ज्यादा पीसीज हैं। किसके पीसीज हैं? 92, 235 के, जिनमें से हर एक पीस का साइज, इनमें से हर एक पीस का साइज क्रिटिकल साइज से कम है, काफी कम। हर एक पीस का साइज क्रिटिकल साइज से कम है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया। और जब इसे एक्सप्लोड कराना है तो जिस वॉरहेड के ये अंदर रखा हुआ है, जिस मिसाइल के या रॉकेट के अंदर रखा हुआ है, वो अपने टारगेट पर जाकर क्या करता है? कुछ भी नहीं करता, टारगेट पर पहुंचकर वो इन तीनों टुकड़ों को आपस में मिला देता है। तीनों टुकड़े आपस में मिल गए और अब जो एक सिंगल पीस बना, इस पूरे सिंगल पीस का साइज क्रिटिकल साइज से बड़ा हो गया। तो फिर न्यूट्रॉन कहाँ से आएगा? इत्तेफाक से हमें नेचर में न्यूट्रॉन अपने आप मिल जाता है। हमारे आसपास खूब सारे न्यूट्रॉन्स हैं एयर में, एटमॉस्फेयर में, और बाय द वे इन न्यूट्रॉन्स की एनर्जी भी उतनी ही है जितनी चाहिए न्यूक्लियर फिजन कराने के लिए, अबाउट 1/40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इनिशिएट करने के लिए कोई नया मैकेनिज्म यूज नहीं करना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर में से कोई एक न्यूट्रॉन आएगा और रिएक्शन को इनिशिएट कर देगा। जब तक ये सारे टुकड़े अलग अलग हैं, इनमें से हर एक टुकड़े का साइज क्रिटिकल साइज से कम है, तब तक इनका फिशन बॉम्ब नहीं चलेगा, बॉम्ब जो का त्यों पड़ा रहेगा। और यही रीजन है कि जब आपने यूरेनियम को स्टोर करना है तो उसे छोटे छोटे से बॉल्स की फॉर्म में या पतले पतले रॉड्स की फॉर्म में स्टोर करना, ताकि उनमें से हर एक पीस का मास क्रिटिकल मास से कम हो, हर एक पीस का साइज क्रिटिकल साइज से काफी कम हो, ताकि एक्सप्लोजन के यानी अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बनने का कोई भी चांस ना रहे। हेड ही डालिए क्रिटिकल साइज एंड क्रिटिकल मास ऑफ अ फिशनेबल मटीरियल ड्यूरिंग द न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन द रिएक्शन आर लॉस्ट ड्यू टू लीकेज, आर लॉस्ट ड्यू टू लीकेज एज वेल एज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन बाय यूरेनियम 92-238। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लॉस्ट पर सेकेंड इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन फैक्टर और रिप्रोडक्शन फैक्टर। एटलीस्ट इक्वल टू 1 सस्टेनेबल मटेरियल फॉर विच
रिप्रोडक्शन फैक्टर एटलीस्ट इक्वल टू 1 इज कॉल्ड क्रिटिकल साइज एंड द मास ऑफ क्रिटिकल साइज्ड फिशनेबल मटेरियल इज कॉल्ड क्रिटिकल मास।